हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा एडिटिंग। और दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले कोरोना वायरस फोटो एडिटिंग। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो आप लोग थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आप लोग फोटो में कहीं ना कहीं तो आपके फोटो में कुछ ना कुछ छूट जाने वाला है। और बाद में आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि भाई ये वाला इफेक्ट जो आपने किया है वो हमारे फोटो में काम नहीं किया है। तो बस फिलहाल वीडियो में बने रहिए। अगर आपको जानना है कि लाइटरूम की ट्रिक में आपको लास्ट बताने वाला हूँ कि मतलब फोटो में कैसे बैकग्राउंड के साथ में फोटो को कैसे मैच किया जाए। मुझे पता है आप लोग में से बहुत से लोग पिक्सआर्ट में एडिट कर लोगे, मतलब पिक्सआर्ट में एडिट करना तो इजी है, बस खाली फोटो को जोड़ना है। हमारा पिक्सआर्ट में यही काम होने वाला है। और बस वीडियो में बने रहे। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर रहे, जाकर फॉलो कर लोगे, आपको अपडेट्स मिलती रहती है। और कैसे ले चलते हैं वीडियो की तरफ, हमारे एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, सबसे पहले बैकग्राउंड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर से क्रॉप कर लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉप करेंगे हम लोग, ठीक है, फोटो के हिसाब से एडजस्टमेंट सही हो जाए ताकि ओके। तो यहाँ पर से राइट कर लेंगे फोटो को, हमारे बैकग्राउंड को राइट करने के बाद यहाँ पर से हमारा जो बैकग्राउंड हमारा इस तरीके का है। और यहाँ पर से ऐड फोटो पे जाएंगे। ऐड फोटो पे जाने के बाद यहाँ पर हमारा जो है PNG लेंगे मॉडल की। तो हमने ऑलरेडी फोटो को कट करके रखा है, तो अगर आपको कट करना नहीं आता फोटो को, हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, हर वीडियो में मतलब कट करना सिखाता है वो, तो आप लोग सिंपली जाकर वो सब वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेंगे हमारे मॉडल की जो पिक है, यहाँ पर से इस तरीके से ऐड कर लेंगे ओके। देन ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको रिसाइज कर लेंगे। मेन रिसाइज में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है, छोटा बड़ा आप लोग मतलब कर देते हो बहुत से लोग मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा मतलब टाइम देंगे एडिटिंग में। जब तक आप लोग एडिटिंग में टाइम देंगे तब तक आपका फोटो मतलब अच्छा नहीं बनने वाला है। बहुत से लोग जो है 10 मिनट में 5 मिनट में एडिटिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। तो हमने मतलब बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद ही मतलब थोड़ा मतलब हम लोग इसके पहले मैंने टेस्ट किया था, इसके बाद ही मैं आपको ट्यूटोरियल बना के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि शॉर्ट में आप लोग समझ जाओ। यहाँ पर से सेट करने के बाद ऐड फोटो पे जाएंगे। फिर से ऐड करने के बाद, ऐड फोटो पे जाने के बाद यहाँ पर से हम लोग जो है वायरस और यहाँ पर जो भी है फेस मास्क और हेयर की PNG ले लेंगे पहले, ठीक है। फेस मास्क और हेयर की PNG यहाँ पर आपको दोनों की PNG, यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हो PNG वगैरह सब जो यूज़ कर रहा हो ना, आपको मिल जाने वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपल आप वहाँ पर से डाउनलोड कर लेना ओके। यहाँ पर से इसको ठीक तरीके से हेयर को एडजस्ट करेंगे ओके। हेयर के हिसाब से मतलब हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि आपके हेयर मतलब ऐसा नहीं होगा तो आप लोग कट कर सकते हो, थोड़ा बहुत रबिंग कर सकते हो ओके। देन यहाँ पर से सेट करने के बाद यहाँ पर जो मास्क है फेस मास्क जो है यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बिठाएंगे। देन यहाँ पर से करने के बाद यहाँ पर से ऊपर की तरफ हाथ पे क्लिक के हो गया। देन यहाँ पर से इस तरीके से कुछ कर लेंगे हम लोग। करने के बाद यहाँ पर से हेयर को सेट कर लेंगे। हेयर को सेट करने के बाद यहाँ पर से फेस मास्क जो है यहाँ पर से हमारे कान के इधर लगा लेंगे ओके। दोनों पट्टी मतलब कान के ऊपर से मतलब नीचे से जाना चाहिए, ऊपर से जाना चाहिए इस तरीके से ओके ना गाइस। यहाँ पर से कर लेंगे कुछ इस तरीके से सेटअप हमारा फोटो में मतलब जो भी है सेटअप कर लेंगे इस तरीके से। देन राइट कर लेंगे फोटो को। देन राइट करने के बाद यहाँ पर से जाएंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद यहाँ पर से वायरस की PNG को ले आएंगे ओके। यहाँ पर से वायरस की PNG को ले लेते हैं, ऐड कर लेंगे यहाँ पर से। ऐड करने के बाद यहाँ पर से इस तरीके से कुछ साइज़ कर लेंगे इसको बड़ा, ठीक है, बराबर कोने में टच करना है आपको। करने के बाद यहाँ पर से कर लेंगे राइट। राइट करने के बाद गाइस यहाँ पर से फिर जाएंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद यहाँ पर से हम लोग ले आएंगे अब कोरोना वायरस PNG स्मोक। और यहाँ पर से साइड में जो ग्लिचिंग वो जो है इफेक्ट जो है मतलब उड़ रहा है थोड़ा बहुत ओके। यहाँ पर से ले आने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले दोनों फ़ोटो को साइड कर लेंगे। यहाँ पर कोरोना वायरस जो टेक्स्ट है इसको कर लेंगे बड़ा और कर लेंगे ब्लेंड स्क्रीन मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर से। और यहाँ पर स्मोक की जो PNG यहाँ पर से ब्लेंड स्क्रीन कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर से सेट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर से दिवाली PNG को इसको बड़ा कर लेंगे इस तरीके से और कर लेंगे सेट ओके। सेट करने के बाद यहाँ पर से फोटो में जो है बहुत ही मस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पिक्सआर्ट में जो एडिटिंग का फोटो मतलब ऐड का ऑप्शन था, मतलब फोटो ऐड करने का ऑप्शन था जो हम लोग ने कर लिया है, ऐड कर लिया बैकग्राउंड के साथ में फोटो को ओके। देन यहाँ पर से कर लेंगे सेव रोलू में जाके। अब क्या करेंगे हम लोग, ओपन करेंगे लाइटरूम पे। लाइटरूम ओपन करने के बाद यहाँ पर समय पहले अकाउंट उस पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। देन यहाँ पर से शेडोज़ को थोड़ा सा कम करेंगे या बढ़ा लेंगे आपके ऊपर है। यहाँ पर वाइटनेस को कम रखेंगे, वाइटनेस को कम ही रखना है, ब्लैक्स को भी कम कर लेंगे। यहाँ पर से देखिए वाइब्रेंस को थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ पर से अभी सेकंड वाले कलर पे जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट करेंगे इसको, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर से सेंचुरी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, फर्स्ट वाले कलर को भी इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर से ग्रीन वाला जो है कलर इसको कुछ नहीं करना चाहिए, डन हो गया। यहाँ पर जाएंगे विग्नेट वाले स्टेप टोन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर से ना इस तरीके से ग्रीन वाले पे जाएंगे, इस तरीके से ऊपर की तरफ कर लेंगे ओके। तो ये था हमारा इफेक्ट जो कि हमने फोटो में लगा लिया है ओके। तो यहाँ पर से डन करेंगे।
डन करने के बाद यहाँ पर से टेक्सचर को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर विग्नेट को थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, और यहाँ पर डीएस को ना थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, डीएस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 14 पे रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर से देख सकते हैं फोटो हमारा बहुत ही मस्त बन चुका है। अब कर लेंगे हमारे फोटो को सेव। तो कैसे ऐसा करते, आपको वीडियो पसंद आ, वीडियो पसंद आ तो लाइक करना ना भूलेगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।